हेलो क्लास सेवेंथ स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड हाउ डू प्लांट्स गेट देम, और प्लांट्स उनको कैसे प्राप्त करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है आपका, प्लांट्स नीड प्रोटीन्स एंड फैट्स बिसाइड द कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर, प्रोटीन और फैट की भी जरूरत पड़ती है। एंड प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स जो होती हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जिनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम सोयल, और प्लांट्स नाइट्रोजन कहां से लेते हैं, सोयल से लेते हैं। ये पार्ट तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो कि वाटर सोल्युबल फॉर्म में, और वहां से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द सोयल, ठीक है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि सोयल में प्रेजेंट होता है। दे कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एंड रिलीज इट इनटू द सोयल, और ये जो गैसियस नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में और रिलीज कर देता है सोयल में, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस सोल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद वाटर, और प्लांट्स इस सोल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ एंड अदर मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स, और कुछ और मिनरल्स भी होते हैं वो रूट्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समटाइम फार्मर्स एड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स टू देयर फील्ड टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन, और फार्मर्स भी समय समय पर उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसके थ्रू भी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाउ इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डन इन सोयल, मींस मिट्टी में जब प्लांट्स ने मिट्टी से इनको ले लिया, किसको, न्यूट्रिएंट्स को, अब दोबारा से ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में किस तरीके से पहुंचते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर है वो यहां से, सोयल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सोयल जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सोयल्स में, तो ठीक है। तो ऑल प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू नरिश देमसेल्व्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सोयल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी, फिर से देख लेते हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी डन बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मींस न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में दोबारा मिलाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिक्स करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो यूरिया एंड आल्सो बाय प्लांटिंग लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, यूरिया वगैरह भी हम मिक्स करते हैं और भी बहुत कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है। लेग्यूम्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम था उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कंटेन करते हैं इन देयर रूट्स, उनकी रूट्स में, नोड्यूल्स नेचुरली, ठीक है, मतलब नेचुरली प्राकृतिक रूप से। बाय दीज टू वेज नाइट्रोजन इज रीस्टोर्ड एंड प्लांट्स यूटिलाइज देम, इन दो तरीकों से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में दोबारा से, मतलब जमीन में दोबारा से पहुंचती है और प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। बेटा ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थिंक एंड आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।